उधर दिल्ली में आगामी 8 से 10 सितंबर तक आयोजित होने वाले G20 शिखर सम्मेलन की तैयारियों को पूरा कर लिया गया है और सुरक्षा के मद्देनजर सभी इंतजाम भी कर दिए गए हैं। G20 शिखर सम्मेलन के बीच दिल्ली और रेवाड़ी के बीच जाने वाले रेल यात्रियों को भी 3 दिन मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा और प्रशासन ने दिल्ली रेवाड़ी के बीच चलने वाली 22 ट्रेनों को रद्द कर दिया है। 8 से 11 सितंबर तक रेल सेवाएं बाधित रहेंगी और पलवल के रूट पर 43, रेवाड़ी के रूट पर 21, रोहतक रूट पर 20 और चंडीगढ़ के रूट पर 18 ट्रेनें रद्द रहेंगी। साथ ही प्रशासन ने बसों को लेकर भी रोक लगा दी है और रेवाड़ी की ओर जाने वाली बसों को रजोकरी बॉर्डर तक जाने की अनुमति दी गई है। तो रेवाड़ी की ओर जाने वाली बसों पर रोक लगाई गई है, ऐसे में 3 दिनों तक यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है और बसों को रजोकरी पर ही जाने की अनुमति मिलेगी। रेवाड़ी दिल्ली के बीच 22 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है और G20 को लेकर यह फैसला लिया गया है। आपको बता दें कि 3 दिन तक 8 से 11 सितंबर तक ये सेवाएं बाधित रहेंगी, जिसमें ट्रेन और बस सेवाएं हैं जो बाधित रहेंगी। ऐसे में यात्रियों को 3 दिनों तक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो रेवाड़ी की ओर आने वाली बसों पर भी रोक रहेगी, तमाम बॉर्डर्स को सील कर दिया गया है, सील कर दिया जाएगा और ऐसे में रेवाड़ी दिल्ली के बीच 22 ट्रेनें भी रद्द कर दी जाएंगी। तो G20 को लेकर ये फैसला लिया गया है, इन 3 दिनों तक ट्रेनें और बसों की सेवा बाधित रहेगी और 18 से 11 सितंबर तक ये सेवाएं बाधित रहेंगी। रेवाड़ी से सफर में मुश्किलें देखने को मिल सकती हैं यात्रियों को, रेवाड़ी की ओर आने जाने वाली बसों पर रोक रहेगी। तो बसों को रजोकरी बॉर्डर तक ही जाने की अनुमति दी जाएगी, रजोकरी तक ही बसें जा पाएंगी। वहीं दिल्ली के बीच, रेवाड़ी और दिल्ली के बीच जो ट्रेनें हैं उन्हें भी रोक दिया गया है।